हाय वेलकम टू कोड फिंड यू वेलकम नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन जावा प्रोजेक्ट सीरीज और हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट जावा का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि है चैटिंग एप्लीकेशन। चैटिंग एप्लीकेशन हम यहाँ पे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जावा। जावा के हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। पहला होगा यहाँ पे जावा स्विंग। स्विंग की हेल्प से हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं और स्विंग की हेल्प से हम यहाँ पे पूरा अपना फ्रेम बनाने वाले हैं। और फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग। हम यहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए। अब यहाँ पे एक चैटिंग एप्लीकेशन है। चैटिंग एप्लीकेशन में सर्वर और क्लाइंट यहाँ पास यहाँ पे दो क्लासेस हैं। उन दोनों क्लासेस के बीच में आपस में चैट होगी, तो वो चैट यहाँ पे होगी सॉकेट प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो ये एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ जावा स्विंग और यहाँ पे हमने यूज किया है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट देखो, यहाँ पे मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक सर्वर क्लास है, एक यहाँ पे क्लाइंट क्लास है। सबसे पहले सर्वर क्लास को यहाँ पे अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो ये है हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम को मैंने व्हाट्सएप जैसा लुक देने की यहाँ पे कोशिश की है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारी यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है। और यहाँ पे ये जो पूरा फ्रेम है ये बना हुआ है आपका स्विंग की हेल्प से। मैंने यहाँ पे मेजरली मैंने यहाँ पे स्विंग का यूज किया, बट स्विंग के साथ मैंने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट का यूज किया है जो कि है AWD। AWD होता है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लाइंट क्लास को खोलना है। क्लाइंट क्लास को खोलने के बाद आपको यहाँ पे इसको रन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट क्लास भी आ चुकी है और मेरे पास यहाँ पे सर्वर क्लास भी आ चुकी है। आप यहाँ पे दोनों के बीच में अब यहाँ पे आप मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग का। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो जैसे मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो यहाँ से मैंने वो मैसेज भेजा था, तो इसके वो राइट हैंड साइड में आया क्योंकि ये यहाँ पे सेंट मैसेज है। और बंटी ने वो मैसेज रिसीव किया यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्योंकि ये बंटी के लिए यहाँ पे रिसीव्ड मैसेज है। साथ में यहाँ पे टाइम भी आया कि किस टाइम मैंने यहाँ पे ये वाला मैसेज भेजा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, ठीक है, यहाँ से मैंने सपोज हाय लिख के यहाँ से सेंड किया, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ से ये वाला मैसेज राइट हैंड साइड आया, यहाँ पे ये वाला मैसेज लेफ्ट हैंड साइड आया। तो बिल्कुल रियल टाइम में यहाँ पे चैट हो रही है। मैं कोई भी यहाँ पे मैसेज भेज रहा हूँ तो वो एकदम से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप अगर सपोज कोई एक बड़ा मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोज एक बहुत एक बड़ा मैसेज भेजा, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये अपना अलग अलग लाइन्स में यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्टली आएगा दोनों तरफ। यहाँ से भी आप सपोज कोई मैसेज भेज सकते हो। मैंने यहाँ से सपोज क्यू लिख के भेजा, तो यहाँ पे मैंने सपोज सेंड पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये है हमारी यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो कि है यहाँ पे चैटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर के थ्रू जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट के पास जा रही है। तो यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट यहाँ पे मेरे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे चैटिंग चल रही है। तो हम यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जावा। तो अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना। आप बाकी प्रोजेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो। फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट, ठीक है। मन स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपको रिएक्ट मिलेगा, एक्सप्रेस, नोड और MongoDB। और फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट, स्प्रिंग बूट एंड MySQL, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बाकी प्रोजेक्ट्स चेकआउट करने हैं, जैसे यहाँ पे ये एक और एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ जावा स्विंग, ठीक है। बाकी रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, Next.js प्रोजेक्ट्स, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको आप ये सब प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें अपने उसमें चाहिए, सिस्टम में चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जावा को यहाँ पे डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जावा JDK 17 का, ठीक है। आपके पास कोई ऊपर नीचे कोई वर्जन है तो भी चलेगा, ठीक है। बट अगर आपके पास जावा नहीं है तो आप ये वाली वीडियो देख के जावा को इंस्टॉल कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आईडी यूज करने वाला हूँ NetBeans, ठीक है। आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करना चाहते हो, इंटेल IGE यूज करना चाहते हो, एक्लिप्स यूज करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यहाँ पे NetBeans का यूज करने वाला हूँ। अगर आपको ये देखना है कि NetBeans को कैसे हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं तो आपको ये वाली वीडियो यहाँ पे देखनी है, ठीक है। दोनों वीडियोज के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस यहाँ पे देखनी है, ठीक है, एंड आपके पास जावा भी है और एक IDE भी है आपके पास, तो यू आर गुड टू गो टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पे वापस आना है। इसको सपोज मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और आपको अपनी IDE खोल लेनी है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ NetBeans का, तो मैंने यहाँ पे NetBeans खोला, ठीक है। NetBeans खोलने के बाद आपको यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक नया जावा का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जावा विद आंट और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ चैटिंग एप्लीकेशन के नाम से, तो मैंने यहाँ पे चैटिंग एप्लीकेशन के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया और आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है।
तो मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया, ठीक है। ये यहाँ पे एक मेन क्लास भी मेरे को बना के देगा, तो आप यहाँ पे देखो इसने मेरे को मेन क्लास भी बना के दिए यहाँ पे चैटिंग एप्लीकेशन के नाम से। बट मेरे को यहाँ पे इस वाली क्लास की मेरे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, इस वाली क्लास को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सपोर्ट डिलीट किया इसको, बहुत सही। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, ये जो यहाँ पे पैकेज है ना सोर्स पैकेज के अंदर जो ये आपका पैकेज है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, और यहाँ पे आपको एक जावा की क्लास बनानी है जो कि होगी यहाँ पे सर्वर के नाम से, ठीक है। हम यहाँ पे जावा के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम यहाँ पे सबका यूज करेंगे, जितने भी यहाँ पे ऊप्स कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, या जो बाकी जितने भी आपने जावा के कॉन्सेप्ट्स अब तक पढ़े हैं, हम यहाँ पे उन सभी कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिक जावा के साथ साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे जावा स्विंग AWD का, और उसके साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग का। तो आपको यहाँ पे काम करना है, सबसे पहले तो यहाँ से ये चीज यहाँ से आपको हटानी है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ यहाँ पे एक सिंपल सी मेरे पास यहाँ पे क्लास बन के तैयार हुई है, जिसमें यहाँ पर ये एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि पब्लिक है, क्लास यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है, क्लास यहाँ पे एक जावा कीवर्ड जिसके हेल्प से आप यहाँ पे क्लासेस बना सकते हो, एंड सर्वर यहाँ पे क्लास का नाम है। मेक श्योर जो यहाँ पे क्लास का नाम होता है वो कैपिटल होता है। फिर हमने यहाँ पे ये पैकेज का नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है, पैकेज हमने यहाँ पे दिया है चैटिंग डॉट एप्लीकेशन। हमने यहाँ पे अपने JVM को ये बताया कि आपके जो यहाँ पे सर्वर वाली क्लास है वो यहाँ पे चैटिंग के अंदर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर हमारे यहाँ पे सर्वर के नाम से ये वाली क्लास है। अब यहाँ पे अगर आपको अपनी क्लास को रन करना होता है, अगर सपोज आप अपनी क्लास को यहाँ पे रन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, एक मेन मेथड बनाते हो। तो मैंने सपोज यहाँ पे एक मेन मेथड बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड एंड मेन, बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ न्यू सर्वर लिखा, ये यहाँ पे मैंने एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। आप अगर प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे न्यू सर्वर लिखते हो तो ये अनोनिमस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आप क्लास को रन करोगे वैसे ही मेरे को फ्रेम दिखाना है, ठीक है, क्लास को रन करते ही मेरे को फ्रेम दिखाना है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्लास को रन करते ही मेन मेथड कॉल होता है, मेन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही मेरे को फ्रेम दिखना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, ठीक है। अब मेरी फ्रेम की मेरी जितनी भी कोडिंग होगी वो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास का जैसे मैं क्लास को रन करूँ वैसे मेरा यहाँ वैसे मेरे को फ्रेम दिखना स्टार्ट हो जाए। क्लास के रन होते ही आपका मेन मेथड कॉल होता है, मेन मेथड के अंदर मैंने आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो मेरे को आपके फ्रेम की जितनी भी कोडिंग होगी वो सब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर डालनी है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लास का यूज करना होता है जो कि होती है जे फ्रेम क्लास। आपको उस क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कराना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे जे फ्रेम क्लास को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कराया। जे फ्रेम क्लास आपकी आती है स्विंग पैकेज के अंदर से, ठीक है, स्विंग पैकेज को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी तक आपने जितने पैकेजेस इंपोर्ट किए होंगे वो किए होंगे आपने जावा डॉट समथिंग से, जावा डॉट यूटिल या जावा डॉट समथिंग कुछ भी, बट अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं स्विंग का। स्विंग आता है जावा के एक्सटेंडेड पैकेज में से, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावा एक्स, मैंने यहाँ पे लिखा जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, ठीक है, जो मेरा स्विंग वाला पैकेज है मैंने यहाँ पे उसको इंपोर्ट किया, एंड स्विंग पैकेज इंपोर्ट करते ही यहाँ पे जो जे फ्रेम क्लास है उसने एरर जो थ्रो कर रहा था यहाँ से इसने एरर थ्रो करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी होती है, यहाँ पर आपको एक फंक्शन का यूज करना होता है जो कि होता है सेट साइज फंक्शन। सेट साइज फंक्शन जो होता है आपका जे फ्रेम क्लास के अंदर होता है, ठीक है, सेट साइज फंक्शन की हेल्प से आप जो फ्रेम है उसका साइज को सेट कर सकते हो। आप अगर देखो तो मेरे पास वहां पे एक फ्रेम आ रहा था, ठीक है, वो पूरा वहां पे एक रेक्टेंगुलर एक फ्रेम था, ठीक है, उस फ्रेम का जो साइज था वो वहां पे सेट हुआ हुआ था, तो आप यहाँ पे सेट साइज फंक्शन का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 450, 450 मैं चाहता हूँ फ्रेम की लेंथ हो, और जो फ्रेम की विथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए यहाँ पे 700, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम की जो विथ है उसको मैंने यहाँ पे 700 डाला। तो इतना लिखने से आपका जो फ्रेम है बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो ये बोल रहा है कि डज नॉट हैव अ मेन मेथड, अरे मेन मेथड है तो, अरे सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास नहीं किए, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ ना, तो इतना करने से आपका जो फ्रेम है ना वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है, बट वो आपको दिखेगा नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ इतना आएगा बिल्ड सक्सेसफुल, बट जो फ्रेम है वो एक्चुअल में आपको दिखेगा नहीं। आप यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे रन हुआ, इसने मेरे को दिखाया यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल, बट मेरे को यहाँ पे आपका फ्रेम नहीं दिखा, क्योंकि जो फ्रेम होता है उसकी विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट हिडन होती है,
आपका जो फ्रेम होता है उसकी विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट हिडन होती है, तो आपको यहाँ पे उसको विजिबल करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करते हैं जो कि होता है सेट विजिबल ट्रू। सेट विजिबल ट्रू की हेल्प से आप एक फ्रेम की जो विजिबिलिटी है उसको आप शो कर सकते हो। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा दूँ तो आपको जो फ्रेम है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है, ठीक है। जो ये फ्रेम है वो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो, बस इतना आसान है फ्रेम बनाना। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे सेट साइज एक फंक्शन लिखा, फ्रेम का जो साइज है उसको डिफाइन किया, सेट विजिबल मैंने यहाँ पे ट्रू किया ताकि फ्रेम आपको दिखना शुरू हो जाए, और आपको जो फ्रेम है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट भी हो चुका है। अभी अगर मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ ना, मैंने सपोज यहाँ पे इसको चलाया, तो आपको जो फ्रेम है वो हमेशा यहाँ से दिखेगा, जो फ्रेम है वो हमेशा आपको यहाँ पे खुलता हुआ दिखेगा इस वाली लोकेशन पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कितनी बार भी मैं इसको खोलूंगा यहाँ पे वो हमेशा आपको एक ही जगह खुलता हुआ दिखेगा। मैं फिर से आपको खोल के दिखाता हूँ, ये हमेशा आपको यहाँ पे खुलता हुआ दिखेगा। ये ओरिजिन होता है, जो लेफ्ट टॉप होता है इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये इसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है, अगर आप यहाँ पे लोकेशन नहीं दे रहे हो तो हम यहाँ पे लोकेशन भी दे सकते हैं कि आपको फ्रेम को कहाँ पे खोलना है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेट लोकेशन, सेट लोकेशन का यूज करके आप जो लोकेशन है फ्रेम की आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ 200, मैंने यहाँ पे दिया लेफ्ट से 200, कि जो यहाँ पे ये वाला जो, अगर आप यहाँ से अगर आप नीचे आते हो तो ये होता है आपका वाई एक्सिस, यहाँ से अगर आप राइट मूव करते हो तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ से राइट मूव करते हुए यहाँ पे इसकी लेंथ थी 200, कि 200 पॉइंट्स मेरे को आगे चाहिए। ऊपर से मैं चाहता हूँ इसको 50, कि ऊपर से 50 आए। तो अब अगर आप देखोगे तो आगे खुलेगा, यहाँ से खुला है 200 पे और ऊपर से खुला है 50 पे, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड कलर है ना, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है इसको भी चेंज कर सकते हो। और आपको एक चीज का ध्यान और भी रखना है कि जो सेट विजिबल होना चाहिए वो सबसे लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। सेट विजिबल सबसे लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि सारे चेंजेस करने के बाद आप चाहते हो कि फ्रेम यूजर को दिखे, ठीक है। तो इस वजह से सेट विजिबल आपका सबसे एंड में होना चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे जो फ्रेम का बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे उसको चेंज करना है, उसके लिए हमें पूरा फ्रेम उठाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे गेट कंटेंट पेन का यहाँ पे यूज किया पूरे फ्रेम को उठाने के लिए। और अब मेरे को यहाँ पे फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जो कि होता है सेट बैकग्राउंड। तो हम सेट बैकग्राउंड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्रेम के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कलर क्लास का। कलर क्लास के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक कलर होता है व्हाइट कलर, मैं यहाँ पे व्हाइट कलर दे रहा हूँ, बट ये कलर क्लास यहाँ पे अभी एरर देगी, क्योंकि जो कलर क्लास होती है वो होती है हमारी AWD पैकेज के अंदर। तो वो आता है आपके जावा के AWD पैकेज के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा java.awd.star, एरर यहाँ से जा चुका है। अगर अब मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो फ्रेम का जो कलर है वो यहाँ पे आपको व्हाइट मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है लेआउट, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, मेरे को यहाँ पे फ्रेम के ऊपर बाकी अपने कॉम्पोनेंट्स लगाने हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ इमेजेस मेरे को यहाँ पे लगानी है, मेरे को यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे वो लगानी है, फिर मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, वो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। तो उन कॉम्पोनेंट्स को कैसे आप फ्रेम के ऊपर सेट कर सकते हो, उसके लेआउट आते हैं। स्विंग में हमारे पास काफी तरह के लेआउट होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको फ्रेम के ऊपर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक फंक्शन जो कि होता है सेट लेआउट, ठीक है। सेट लेआउट का यूज करके आप जो बाकी सारे लेआउट्स हैं आप यहाँ पे वो लगा सकते हो। जैसे हमारे पास काफी सारे यहाँ पे लेआउट्स होते हैं, जैसे एक वो होता है हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर लेआउट, फिर यहाँ पे फ्लोर लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, ग्रिड बैग लेआउट होता है, बॉक्स लेआउट होता है। तो हम यहाँ पे लेआउट्स का यूज करेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे कि उनको कैसे यूज करना है, बट अभी के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे जो लेआउट है उसको यहाँ पे आप नल कर सकते हो, ठीक है। कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ स्विम को कि मेरे को आपके किसी भी लेआउट का यूज नहीं करना, मैं यहाँ पे अपना ही लेआउट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आप लेआउट है मैंने यहाँ पे उसको नल किया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे अब मेरे को क्या काम करना है, मेरे को जो आपका यहाँ पे जो आपका चैट बॉक्स है, जो आपकी चैटिंग एप्लीकेशन वाला जो फ्रेम है, उसका मेरे को यहाँ पे हेडर बनाना है। आपने अगर देखा हो तो हेडर वहां पे मेरा अलग था, और वो वहां पे ग्रीन कलर में था, जिसके ऊपर बंटी का तोंडे एक्टिव नाउ और एक इमेज लगी हुई थी, फिर वहां पे मेरे पास बाकी कुछ और इमेजेस भी थी। तो वो एक अलग सेपरेट एक फ्रेम था, ठीक है। मतलब आप देखते ही बता सकते हो कि हाँ ये फ्रेम के ऊपर एक अलग से जगह है, ठीक है। तो वो हम बना सकते हैं पैनल की हेल्प से। आप यहाँ पे जे पैनल का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। पैनल क्या होता है, अगर आपको फ्रेम के ऊपर कुछ करना है, ठीक है, फ्रेम के ऊपर अगर आपको चीजों को डिवाइड करना है ना, तो वहां पे आप उन चीजों को डिवाइड कर सकते हो पैनल की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे सपोज एक पैनल बनाया P1 के नाम से, और यहाँ पे न्यू जे पैनल लिखा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं
मेरे को यहाँ पे एक इसका जो सेट बैकग्राउंड कलर है मेरे को यहाँ पे उसको चेंज करना है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर था वहाँ पे वो ग्रीन कलर था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको मेरे को ग्रीन करना है। तो यहाँ पे हम कलर क्लास का सीधा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, और हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर डॉट ग्रीन यहाँ पे सीधा लिख भी सकता हूँ, बट ये अपना बाय डिफॉल्ट जो ग्रीन कलर होता है इसका यहाँ पे वो देगा। तो आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। इसकी हेल्प से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आप यहाँ पे RGB में जो कलर्स होते हैं आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाला सपोज 794 एंड 84, बिल्कुल सही है। ऊपर ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे J मिस कर दिया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, पैनल को मेरे को फ्रेम के ऊपर सेट करना है। ये जो पैनल है यहाँ पे इसको मेरे को फ्रेम के ऊपर सेट करना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एड फंक्शन का। एड फंक्शन का यूज करके आप किसी भी एक कॉम्पोनेंट को फ्रेम के ऊपर सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एड फंक्शन का यूज किया, और इसके अंदर आपको वो पास करना होता है कि किसको आपको सेट करना है। मेरे को यहाँ पे P1 को सेट करना है। तो इस टाइम पे जो आपका पैनल है वो यहाँ पे जो आपका फ्रेम है उसके ऊपर यहाँ पे आके सेट हो चुका है, बट वो मेरे को अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सेट लेआउट को नल किया हुआ है। तो जब भी आप सेट लेआउट को नल करते हो तो आपको तो आपको यहाँ पे जो आपका स्विंग है उसको बताना पड़ता है कि सर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा मेरे को कि आपको ये वाले पैनल को कहाँ पे जाके सेट करना है। आपने यहाँ पे सेट लेआउट नल किया हुआ है तो आपको अलग से बताना पड़ता है कि आपको इसको कहाँ पे सेट करना है। तो मेरे को यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेट्स पास करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे पास कर सकते हैं सेट बाउंड्स की हेल्प से। सेट बाउंड्स हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पास कर सकते हो। मैं इसको चाहता हूँ बिल्कुल फ्रेम के टॉप से स्टार्ट हो, टॉप लेफ्ट से। तो ये चार आर्गुमेंट लेता है। मैं इसको चाहता हूँ कि टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मैंने 0 0 पास किया। 0 0 मतलब ओरिजिन, बिल्कुल टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगा। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ मैं चाहता हूँ 450। जितनी मेरी यहाँ पे फ्रेम की लेंथ है उतनी मैं यहाँ पे इसकी लेंथ चाहता हूँ। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए इसकी 70। तो यहाँ पे मैंने इसकी हाइट को 70 लिखा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। और यहाँ पे देखो जो पैनल है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो जो पैनल है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब मेरे को पैनल के ऊपर इमेजेस लगानी है। इमेजेस लगाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले इमेजेस चाहिए भी होंगी। तो उसके लिए आपको जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा। उस गूगल ड्राइव लिंक को खोल के आप जो सारी इमेजेस हैं उनको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उसके गूगल ड्राइव लिंक के अंदर आपको एक आइकन्स का एक फोल्डर मिलेगा। आपको उस पूरे फोल्डर को डाउनलोड करना है, ठीक है। उस पूरे फोल्डर को डाउनलोड करने के बाद आपको उस पूरे फोल्डर को कॉपी करना है, और यहाँ वहां पे जाना है जहां पर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। मेरा जो ये प्रोजेक्ट है ये मेरा क्रिएट हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ पे नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया चैटिंग एप्लीकेशन के नाम से। तो आपको यहाँ पे इसको खोलना है, और आपको यहाँ पे सोर्स के अंदर जाना है, और सोर्स के अंदर यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा चैटिंग के नाम से। और आपको यहीं पर ही जो आपका जो आइकन्स वाला फोल्डर है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आप इसको यहाँ पे खोल के देखोगे तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे काफी सारे आइकन्स होंगे जिनका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोल यहाँ पे इसको पेस्ट किया। इसके बाद आप अगर यहाँ पे वापस नेटबीन्स में आके देखोगे तो यहाँ पे आपके पास आइकन्स के नाम से एक फोल्डर आ चुका होगा, ठीक है। और उस आइकन्स फोल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पे सभी आइकन्स भी होंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे इन वाले आइकन्स का यहाँ पे अब यूज करना है। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे इमेज है जो कि बैक इमेज है। मेरे को यहाँ पे एक बैक इमेज लगानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इमेज आइकन ग्लास का। अगर आपको इमेजेस को सेट करना है अपने फाइल डायरेक्टरी में से उठानी है अगर आपको इमेजेस, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इमेज आइकन क्लास का। मैं सपोज यहाँ पे इमेज आइकन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया इमेज आइकन के नाम से, बिल्कुल सही है। अब मेरे को जो इमेज है उसको आपकी फाइल डायरेक्टरी के अंदर से उठाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास का यूज करते हैं जो कि होता है क्लास लोडर। क्लास लोडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड होता है जो कि होता है गेट सिस्टम रिसोर्स, और इसके अंदर आपको अपनी इमेज का एड्रेस पास करना होता है। तो जो इमेज है मेरी, मैं यहाँ पे सोर्स पैकेज के अंदर तो ऑलरेडी हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली एक फोल्डर है आइकन्स के नाम से, तो मैंने यहाँ पे इसको सीधा आइकन्स लिखा, और आइकन्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे इमेज है 3.png के नाम से। मेरे को यहाँ पे ये वाली इमेज चाहिए, तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो 3.png। मेक श्योर एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, इमेज का नाम करेक्ट होना चाहिए, और जो इमेज की एक्सटेंशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस इमेज को आपको फ्रेम के ऊपर सेट करना है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट इमेज आइकन को फ्रेम के ऊपर सेट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे एक और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जो कि होता है जे लेबल। जे लेबल क्या होता है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, इसका क्या यूज है वो अभी आगे जाकर देखेंगे। अभी इसके एक्सप्लेनेशन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जे लेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे आपको इमेज आइकन को जे लेबल के अंदर पास करना होता है। तो मैंने यहाँ पे जो आपका इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पे जे लेबल के अंदर पास किया, और अब मैं जे लेबल को सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जे लेबल को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ आपके फ्रेम के ऊपर। तो उसके लिए लेफ्ट से सपोज मैं चाहता हूँ डिस्टेंस 5, ऊपर से मैं चाहता हूँ सपोज 20,
और जो इमेज की खुद की लेंथ है वो मैं चाहता हूँ सपोज 25, इमेज की खुद की विड्थ मैं चाहता हूँ सपोज 25, और आपको यहाँ पे एड फंक्शन का यूज करके इसको फ्रेम के ऊपर एड कर देना है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इमेज मेरे को यहाँ पे दिख ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो, इमेज तो मेरे को यहाँ पे दिख ही नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखी सर क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फ्रेम, यहाँ पर जो इमेज है वो आपके फ्रेम के ऊपर ऐड हुई है, बट मेरे को इमेज को यहाँ पे पैनल के ऊपर ऐड करना है। तो इमेज को पैनल के ऊपर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इस बार लिखना पड़ेगा p1.add। अगर आपको किसी चीज के ऊपर किसी चीज को ऐड करना होता है ना, तो आपको ऐड फंक्शन को उससे कॉल करना पड़ेगा जिससे जिसकी हेल्प से आपको उसके ऊपर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे p1 की हेल्प से मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल किया क्योंकि मेरे को पैनल के ऊपर ही यहाँ पे जो अपनी इमेज है यहाँ पे वो लगाना लगानी है। बिल्कुल सही है। इसके बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव करके अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो बिल्कुल सही चलेगा। आप यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पर आ चुकी है, बट ये यहाँ पर सेंटर में आई है। इसने यहाँ पे सेट बाउंड नहीं उठाया, सेट बाउंड यहाँ पे इसने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आपको यहाँ पे पैनल का जो लेआउट है उसको यहाँ पे आपको नल करना पड़ेगा। ठीक है, सेट बाउंड वो सिर्फ तभी चलाया, सेट बाउंस वो सिर्फ तभी उठाएगा जब आपका सेट लेआउट यहाँ पे नल होगा। तो मैंने यहाँ पे जो आपका सेट लेआउट है उसको मैंने यहाँ पे नल किया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पर आ चुकी है, बट इमेज यहाँ पे बहुत बुरी हालत में है। मतलब इमेज काफी बड़ी है एंड मैंने उस इमेज को यहाँ पे क्रॉप किया हुआ है, तो इस वजह से वो यहाँ पे ऐसी दिख रही है। मेरे को यहाँ पे इमेज को स्केल करना पड़ेगा, इमेज को मेरे को यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा। तो इमेज को आप यहाँ पे छोटा कर सकते हो, मतलब स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे इमेज को। उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास का यहाँ पे हम यूज करते हैं जो कि होती है इमेज क्लास। इमेज क्लास आपके AWD पैकेज के अंदर होती है। आपको यहाँ पे इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और आपको जो इमेज है वो उठानी पड़ेगी। इमेज है मेरे यहाँ पे i1 के अंदर, तो i1 के अंदर मैंने यहाँ पे इमेज को उठाया। आपको यहाँ पे गेट इमेज फंक्शन का यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा और इस इमेज को आपको स्केल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक फंक्शन का जो कि है गेट स्केल इंस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे आपको इमेज की विथ और इमेज की आपको हाइट मेंशन करनी है। विथ मेरे को चाहिए यहाँ पे 25 और हाइट मेरे को यहाँ पे चाहिए 25। और कैसे आपको उसको स्केल करना है तो आप यहाँ पे वो मेथड यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इसको डिफॉल्ट स्केलिंग करनी है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो इमेज है वो मेरी i1 के अंदर है, जो मेरी स्केल्ड इमेज है, जो एक्चुअली मेरे को इमेज चाहिए वो i2 के अंदर है, बट मैं i2 को डायरेक्टली यहाँ पे लेबल के अंदर पास नहीं कर सकता। आप यहाँ पे देखो एरर देगा। तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वापस से इमेज आइकन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और मेरे को आपकी जो इमेज है उसको मेरे को वापस से इमेज आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सीधा i3 को पास किया क्योंकि मैं इमेज आइकन को यहाँ पे जे लेबल के अंदर पास कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा। जो एरो वाली इमेज है वो आपके यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है। ठीक है, तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि अब यहाँ पे मेरे को ये काम करना है कि जो जैसे ही मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा वैसे ही आपका जो फ्रेम है वो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। एरो पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे फ्रेम क्लोज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एरो के क्लिक पे एक्शन चाहता हूँ। एरो पे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही एरो पे क्लिक हो, तो एरो पे मैं यहाँ पे क्लिक एक्शन चाहता हूँ कि जैसे ही एरो पे क्लिक हो वैसे मेरा जो फ्रेम है वो यहाँ पे आके क्लोज हो जाए। अब मैं यहाँ पे ये चीज चाहता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि है यहाँ पे एक्शन लिसनर इंटरफेस। तो मैंने यहाँ पे सपोज एक्शन लिसनर इंटरफेस मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। एक्शन लिसनर जो इंटरफेस है वो आता है आपके AWD के इवेंट पैकेज के अंदर से। तो यहाँ पे आपका आएगा java.awd.event.start। ठीक है, ये आपके AWD के इवेंट्स पैकेज के अंदर से आता है। अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है, ये एरर यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्शन लिसनर जो यहाँ पे इंटरफेस है इसके अंदर एक अनइम्प्लीमेंटेड एक मेथड है। इसके अंदर यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि है यहाँ पे पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म्ड। आपको इस वाले मेथड को अपनी क्लास में ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि ये जावा का बिल्कुल बेसिक है। अगर आप किसी ऐसे एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हो जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आपको अपनी क्लास के अंदर उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे आना है जहाँ पे कंस्ट्रक्टर खत्म हो रहा है, और आपको यहाँ पे जो वो मेथड है एक्शन परफॉर्म आपको यहाँ पे इसको ओवरराइड करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्शन इवेंट और AE। ठीक है, मेक श्योर रिटर्न टाइप बिल्कुल सेम होना चाहिए, फंक्शन का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को ओवरराइड करवाया, आप यहाँ पे देखो जो एरर है यहाँ से वो यहाँ से जा चुका है। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक्शन चाहिए इसके क्लिक पे, जो मेरे यहाँ पे आइकन है इसके क्लिक पे मेरे को यहाँ पे एक्शन चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा सबसे पहले तो कि सर मेरे को इसके क्लिक पे यहाँ पे एक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बैक बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे एक्शन चाहिए। तो हम यहाँ पे बैक बटन के क्लिक पे सबसे पहले तो वो एक माउस का क्लिक इवेंट है। ठीक है,
आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो अपने माउस की हेल्प से, तो यहाँ पे वो अब मेरे को यहाँ पे चाहिए एक माउस इवेंट। तो आप यहाँ पे जो माउस लिस्टनर है आपको यहाँ पे इसको ओवरराइड करवाना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया जो कि यहाँ पे एड माउस माउस लिस्टनर, और इसके अंदर यहाँ पे आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जो कि होता है माउस अडेप्टर। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपको एक मेथड को यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा। अब आपको कौन सा मेथड चाहिए यहाँ पे? मैं चाहता हूँ कि माउस का क्लिक इवेंट चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है जो कि होता है माउस क्लिक। ठीक है, आप यहाँ पे उस वाले मेथड को यहाँ से आप ओवरराइड करवा सकते हो। इस माउस अडेप्टर के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला मेथड है माउस क्लिक। आप यहाँ पे इस वाले मेथड का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो माउस क्लिक मेथड का मैंने यहाँ पे यूज किया, ये लेते हैं अपने अंदर माउस इवेंट का एक ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। और आप यहाँ पे अब जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो अपने माउस के क्लिक पे, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने फ्रेम को क्लोज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आप यहाँ पे सेट विजिबल को फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, सेट विजिबल को आप अगर यहाँ पे फॉल्स करोगे तो ये हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो सिस्टम डॉट एग्जिट 0। ठीक है, कि मैं यहाँ पे अपने पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद कर रहा हूँ। तो सिस्टम डॉट एग्जिट मैंने यहाँ पे 0 लिखा, एक वेल नोन टर्म है कोर जावा की। ठीक है, और बिल्कुल सही है। तो अगर आप इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा चला के। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करूंगा, तो आपको जो फ्रेम है वो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। फ्रेम यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मैं यहाँ पर गया, बैक बटन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फ्रेम आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट इवेंट देख चुके हैं कि हमने यहाँ पे अपना माउस क्लिक इवेंट देखा है कि माउस के क्लिक पे हम यहाँ पे अपना जो फ्रेम है उसको हम यहाँ पे क्लोज कर रहे थे। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे अपनी नेक्स्ट इमेज लगानी है जो कि यहाँ पे 1.png के नाम से ये वाली वो इमेज है। अब मेरे को यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ठीक है, नवाजुद्दीन से देखिए, तो यहाँ से इसको कॉपी कट कर लेते हैं क्योंकि कोड बिल्कुल सेम रहेगा। आपको अगर इमेज को सेट करना है फ्रेम के ऊपर तो उसका कोड यहाँ बिल्कुल सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया। डुप्लीकेट डिक्लेरेशन का ये यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे i3 तक मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे i4 लिया, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं सपोज यहाँ पे i5, यहाँ पे मैंने लिया i6, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिया i5, और नीचे लेके ले रहा हूँ मैं यहाँ पे i6। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे प्रोफाइल के नाम से, तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, इमेज को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। इमेज जो है आपकी वो 1.png के नाम से है, तो 3 को आपको यहाँ पे 1 कर देना है, और जो इमेज का साइज है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो इमेज का साइज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज 50:50। मैंने यहाँ पे इमेज का साइज 50:50 डाला, और यहाँ पे भी आपको सेम डालना है क्योंकि जो भी आपकी इमेज की लेंथ है वो यहाँ पर आएगी। तो मैंने यहाँ पे 50:50 डाला। अब यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, ठीक है, कि लेफ्ट से जो ये वाली इमेज है लेफ्ट से वो आए 5 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो 5 तो ये लेफ्ट से था। ठीक है, 25 यहाँ यहाँ पे इसकी खुद की लेंथ थी, टोटली कितना हुआ, टोटली यहाँ पे हो चुका है 30। तो इसका इमेज का जो टोटल साइज है वो 30 तक है, 30 तक ये इमेज का साइज उठा रहा है। ठीक है, उसके बाद 10 का मेरे को यहाँ पे बीच में गैप चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 40 से। 40 से सपोज इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ऊपर से मैं चाहता हूँ इसको 10। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चलाओ दिखाओ तो बिल्कुल मस्त चलेगा। जो इमेज है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ और इमेजेस भी चाहिए। ठीक है, 3 इमेजेस मेरे को यहाँ पे चाहिए टू बी प्रिसाइज। तो मैंने यहाँ पे ये i6 तक यहाँ पे हो चुका है, तो i7 मैंने यहाँ पे लिया इसको, और यहाँ पे सपोज i8 लिया मैंने यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे i9, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ i8, और यहाँ पे मैंने लिया i9। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे जो आपकी इमेज है मेरे को यहाँ पे उसको चेंज करना है। यहाँ पे मेरे को कौन सी इमेज चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए वीडियो वाली इमेज अपनी। यहाँ पर मेरे को जो अपना वीडियो वाला सेक्शन है यहाँ पे वो दिखाना है। तो वीडियो डॉट पीएनजी के नाम से मेरे पास यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे मैंने जे लेबल को डिक्लेयर किया वीडियो। बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्रोफाइल को चेंज करते हैं विद वीडियो, और यहाँ पे मेरे को इमेज को थोड़ा सा आगे दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज इसको 300, कि मैं यहाँ पे 300 इसको आगे दिखाना चाहता हूँ। ऊपर से 20 में यहाँ पे ले रहा हूँ इसको। इमेज का साइज आपको कितना चाहिए, मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ 30 30 30। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो वाली इमेज है ये मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी छोटी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो जो वीडियो वाली इमेज है ये मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे काम करना है, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। दो इमेजेस मेरे को यहाँ पे और चाहिए, एक तो मेरे को यहाँ पे चाहिए टेलीफोन वाली इमेज। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 9 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, और यहाँ पे आ जाएगा सपोज 10 के बाद तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11, और यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा सपोज 11, और बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब ये वाली जो इमेज है यहाँ पे ये है यहाँ पे फोन वाली इमेज, फोन डॉट पीएनजी। तो आपको यहाँ पे वीडियो को चेंज करना है विद फोन। बिल्कुल सही है। क्या लेंथ विद चाहिए मेरे को यहाँ पे, इसकी लेंथ चाहिए मेरे को यहाँ पे
35 विथ तो चलेगी, 30 बिल्कुल सही है और ये चीज बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद अब यहाँ पे ये वीडियो नहीं है, ये जो इमेज यहाँ पे फोन के नाम से, तो मैंने यहाँ पे फोन लिखा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, मतलब इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये अब इसके ऊपर आगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब तक इसको चेंज नहीं किया। तो 300 और 30, 330 तक तो यहाँ पे यही जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे बीच में 30 का सपोज मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सपोज 60 लिखा, ठीक है, 360, और बिल्कुल सही है। चला के देखो तो बिल्कुल मस्त चलेगा। अब मेरे को यहाँ पे मोर वर्ड ऑप्शन चाहिए। मोर वर्ड होता है जो थ्री डॉट्स का ऑप्शन होते हैं ना, उसको मोर वर्ड बोला जाता है। तो मेरे को यहाँ पे वाली इमेज चाहिए, वाली इमेज आपकी आएगी यहाँ पे थ्री के नाम से शायद, नहीं थ्री आइकन के नाम से, क्या, हाँ थ्री आइकन के नाम से, बिल्कुल सही है। तो थ्री आइकन डॉट पीएनजी इमेज है, तो मैंने यहाँ पे थ्री आइकन लिखा, बिल्कुल ठीक है। कहाँ तक हो चुका है, 12 तक हो चुका है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 13, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सपोज मैंने लिया 14, नीचे आते हैं 15, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिया मैंने 14 और यहाँ पे आ जाते हैं सपोज 15, ठीक है। और जो इमेज है उसको ले रहा हूँ सपोज मैं यहाँ पे मोर वर्ड के नाम से, और मोर वर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया, फोन से मैंने उसको यहाँ पे रिप्लेस किया। थोड़ा सा मेरे को आगे चाहिए ये वाली इमेज, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया 420, ठीक है, 420, और यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे सपोज विड्थ में इसे ले रहा हूँ यहाँ पे 10, और हाइट में ले रहा हूँ यहाँ पे इसकी 25, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे लेना है 10 और यहाँ पे लेना है सपोज 25, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे ये कुछ कैलकुलेटेड है कि मैं यहाँ पे इसको 10 ले रहा हूँ, इसको 25 ले रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं है, ठीक है। ये रैंडम है, मतलब ये आपको रैंडमली यहाँ पे सेट कर कर करके देखना होता है कि कौन सा यहाँ पे सही लग रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो चीजें हैं यहाँ पे आप वो डाल सकते हो। तो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो आपका नेम है यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है, जो बंदे का नेम है जो प्रोफाइल पिक्चर के साइड में वहां पे लिखा आता है। तो अगर आपको फ्रेम के ऊपर कुछ भी लिखना है, ठीक है, जैसे सपोज मैं वहां पे बंदे का नाम लिखने वाला हूँ, उसके नीचे में लिखूंगा एक्टिव नाउ, तो अगर आपको कुछ भी सपोज लिखना है ना, तो उसको आप लिख सकते हो जे लेबल की हेल्प से। मैंने यहाँ पे जे लेबल की जो एक्सप्लेनेशन था उसको मैंने यहाँ पे स्किप किया था, क्योंकि ये यहाँ पे जे लेबल का मेन यूज नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे जो इमेज है उसको मैंने यहाँ पे जे लेबल के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करवाया था, बट ये जे लेबल का मेन यूज नहीं है। जे लेबल का जो मेन यूज है, जे लेबल की हेल्प से आप यहाँ पे फ्रेम के ऊपर कुछ भी अगर आपको लिखना है तो वो आप जे लेबल की हेल्प से यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा जे लेबल, और सपोज नेम इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और जो भी आपको लिखना है फ्रेम के ऊपर उसको आपको यहाँ पे पास करना होता है। मेरे को यहाँ पे लिखना है सपोज गायतोंडे, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, नेम आ चुका है मेरा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे लिखना है नेम डॉट सेट बाउंस, ठीक है, नेम डॉट सेट बाउंस मैंने यहाँ पे किया 110, और ऊपर सपोज 15 इसकी खुद की विथ है, सपोज यहाँ पे 100 और यहाँ पे मैंने लिया 18, ठीक है। P1 के ऊपर मेरे को यहाँ पे इसको ऐड करना है, मैंने यहाँ पे नेम को ऐड किया P1 के ऊपर। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली नेम आएगा। आप यहाँ पे देखो गायतोंडे यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे ब्लैक कलर में मेरे को यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर बोलो, मेरे को यहाँ पे इसके फोरग्राउंड कलर को यहाँ पे चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे इस बार मेरे को यहाँ पे इसके टेक्स्ट कलर को चेंज करना है। तो जैसे आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, ऐसे आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेम डॉट सेट फोरग्राउंड एक मेथड होता है अपने पास, आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हो। और यहाँ आपको सपोज यहाँ पे लिखना है कलर डॉट व्हाइट, ठीक है, कलर डॉट व्हाइट मैंने यहाँ पे लिखा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे उसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, बट इसका साइज काफी छोटा है, तो आप इसके साइज को भी चेंज कर सकते हो। जो यहाँ पे फोन साइज है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है सेट फोन। सेट फोन के अंदर आपको न्यू फोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ये यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है आपका फोन फैमिली, फोन फैमिली में डाल रहा हूँ यहाँ पे सेंस सेरिफ सपोज। उसके बाद वो होता है आपका फोन टाइप, तो फोन टाइप में डाल रहा हूँ यहाँ पे फोन डॉट बोल्ड, ठीक है, आप यहाँ पे इटैलिक प्लेन आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद फोन साइज मैंने यहाँ पे दिया सपोज 18। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखो गायतोंडे यहाँ पे बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखा है, बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक्टिव नाउ लिखना है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको सपोज मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और वो एक स्टेटस है, तो यहाँ पे सपोज स्टेटस लिया मैंने इसको, और नेम की जगह मैंने सपोज यहाँ पे लिया स्टेटस, बिल्कुल सही है। और ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्टिव नाउ, बिल्कुल मस्त है। एक्टिव नाउ सपोज मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, एक्टिव नाउ यहाँ पे आपका आ चुका है। इसका साइज मेरे को थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 14, ठीक है। और मेरे को बैकग्राउंड कलर तो मेरे को यहाँ बिल्कुल सेम चाहिए, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे ऊपर से थोड़ा नीचे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको 35 लिया, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आके शिफ्ट हो जाए, और बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे इसको चला के देखोगे तो बिल्कुल मस्त चलेगा।
चला के देखते हैं सही चल रहा है क्या। हाँ परफेक्ट चल रहा है। तो जो हेडर वाला पार्ट है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप अगर यहाँ पे देखो तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो सर जो हेडर वाला पार्ट है वो अपना यहाँ पर हो चुका है। मेरे को यहाँ पे इसके नीचे काम करना है, जो यहाँ पे इसके नीचे जहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाऊंगा, अब यहाँ पे मेरे को इस पे काम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक अलग से पैनल बनाना पड़ेगा। ये एक अलग डिफरेंट पैनल था, और ये नीचे यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा ये एक अलग डिफरेंट पैनल होगा। तो आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको पैनल बनाना है, वो एक टेक्स्ट एरिया टाइप होगा। ठीक है, वहाँ पे एक पूरा टेक्स्ट एरिया होगा, टेक्स्ट एरिया तो नहीं होगा मतलब, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम मैं ले रहा हूँ सपोज A1 के नाम से, और यहाँ पे सपोज मैंने दिया जे, न्यू जे पैनल, और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे A1 को मेरे को यहाँ पे सेट बाउंस करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको सेट बाउंस किया A1 को। ठीक है, कहाँ पे करना है, लेफ्ट से 2 5, ऊपर से 75, क्योंकि ये जो मेरा हेडर था पूरा यहाँ पे 70 था। इसके बाद विथ में ले रहा हूँ यहाँ पे 440, क्योंकि टोटल यहाँ पे 450 है। 5 का गैप मैंने यहाँ पर दिया स्टार्टिंग में, 5 का गैप मैं लास्ट में चाहता हूँ, टोटल हो गया 10। तो यहाँ पे मैंने ये 440, और सपोज हाइट में ले रहा हूँ 570, और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। कहाँ पे ऐड करना है, मेरे को यहाँ पे इसको ऐड करना है आपके फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ऐड लिखा, ठीक है, ऐड लिखा मैंने यहाँ पे इसको A1 के ऊपर, और बिल्कुल सही है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो जो टेक्स्ट एरिया है वो मेरे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है, बट इसको मेरे को थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। शायद मेरे को यहाँ पे 430 लिखते हैं, तो 430 से ये यहाँ पे मेरे को यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। अरे ब्रो ये दिखा क्यों नहीं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे सब इसको थोड़ा सा और कम करते हैं। अब ज्यादा कम हो गया, 420 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रो टोटल हिट एंड ट्रायल है, आपको यहाँ पे डाल डाल के आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, 425 ले रहा हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा, और यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है। एक काम मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, ये शायद यहाँ पे इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक काम करना है। आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट है हटाना है, जो यहाँ पे फ्रेम का, इसको बोला जाता है फ्रेम का हेडर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये फ्रेम का हेडर होता है। तो आप इसको हटा सकते हो। इसको इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है सेट अनडेकोरेटेड, और यहाँ पे आपको करना है इसको ट्रू। तो अगर आप यहाँ पे सेट अनडेकोरेटेड को यहाँ पे आप ट्रू कर दोगे तो वो चीज वहां से हट जाएगी, और इस केस में क्या होता है आपका फ्रेम बड़ा हो जाता है। तो इस केस में आप अगर देखो तो बिल्कुल मस्त है, और यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा जगह आ चुकी है। तो यहाँ पे जो मेरी कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से यहाँ पे 440 था, तो यहाँ पे 440 मैंने वापस डाला, और अब ये बिल्कुल मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखो ये चीज बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा जे पैनल था, ठीक है, जो जहाँ पर मेरे सभी मैसेज यहाँ पे आके डिस्प्ले होंगे। अब इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है, जहाँ पर यूजर अपने जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे लिख सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक क्लास होती है अपने पास जे टेक्स्ट फील्ड के नाम से। जे टेक्स्ट फील्ड की हेल्प से आप कोई भी अपनी एक टेक्स्ट फील्ड बना सकते हो, जहाँ पर यूजर अपना कोई भी एक मैसेज लिख सकता है। तो यहाँ पर मेरे को जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे न्यू करके इसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और बिल्कुल सही है। इसके बाद मेरे को इसको कहाँ पे दिखाना है, तो इसको सपोज मेरे को लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डॉट सेट सेट बाउंस, मैंने यहाँ पर किया और बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेरे को लेफ्ट से 5 दिखाना है, ठीक है, और टोटल मेरे को यहाँ पे दिखाना है इसको ऊपर से 655, ठीक है, क्योंकि 570 और 75, ठीक है, तो यहाँ तक तो यही जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 655 का। कितना दिखाना है सपोज 310, और इसकी खुद की विड्थ कितनी होगी सपोज 40। उसके बाद इसको ऐड कर देना मेरे को यहाँ पे, उसके बाद इसको मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है टेक्स्ट को, और बिल्कुल सही है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल मस्त चलेगा। और जो टेक्स्ट फील्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जो टेक्स्ट फील्ड है उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, तो अभी जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो काफी छोटा छोटा है, तो जो टेक्स्ट है आप यहाँ पे उसको भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ऊपर किया था, आप यहाँ पे उसका जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज लिखा न्यू फॉन्ट, और ये 3 आर्ग्यूमेंट देता है। पहला सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सेंस सेरिफ, ठीक है, सेकंड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फॉन्ट डॉट प्लेन, और यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज 16। बाई डिफॉल्ट इसका जो साइज होता है वो शायद वहाँ पे 12 होता है, तो मैंने यहाँ पे 20 दिया। और यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ पे आपको कुछ भी लिख के दिखाता हूँ तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। ठीक है, अब मेरे को इसके जस्ट साइड में यहाँ पे एक बटन लगाना है, तो बटन भी हम लगा सकते हैं, बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस बटन क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जे बटन हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है, जे बटन क्लास का आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा सेंट, सेंट के नाम से बटन होगा, जो भी आप यहाँ पे इसके अंदर पास करोगे वो बिल्कुल वहां पे उसके ऊपर लिखा आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है सेंट डॉट, और यहाँ पे सपोज सेट बाउंस मैंने यहाँ पर किया, ठीक है, सेंट डॉट सेट बाउंस, और मेरे को यहाँ पे चाहिए इसको 320, ठीक है, 320 और 655,
और लेफ्ट से 320, ऊपर से 655। इसकी खुद की लेंथ में कोई यहाँ पे चाहिए 123, और खुद की विड्थ में कोई यहाँ पे चाहिए ये। और यहाँ पे मैं इसको सेंड बटन मैंने यहाँ पे फ्रेम के ऊपर ऐड किया। तो अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे सेंड के नाम से मेरे पास यहाँ पे बटन आएगा, बट इसका ये डिफॉल्ट कलर है जो ये यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, मेरे को यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है सेंड डॉट और सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे सपोज न्यू कलर, मेरे को वही सेम जो ग्रीन कलर है मेरे को यहाँ पे उसको डालना है। तो वो आएगा आपका 9484 से, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसका जो फोरग्राउंड कलर है यहाँ पे मेरे को उसको भी चेंज करना है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वो लिखा है मैंने कलर डॉट व्हाइट के नाम से, बिल्कुल सही है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बिल्कुल मस्त चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल मस्त चल रहा है। बट यहाँ पे जो सेंड है ये काफी छोटा छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका इसका जो वो है वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो इसको यहाँ सपोज मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे सेंड से रिप्लेस किया। तो जो यहाँ पे आपने सेट फॉन्ट लिखा और बिल्कुल सही है। चला के अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो जो उसका टेक्स्ट साइज है वो यहाँ पे काफी बड़ा हो चुका होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो जो अपना यहाँ पे फ्रेम है वो बनके बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है। मेरे को यहाँ पे काम करना है। अब यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे लिखेगा सेंड बटन के क्लिक पे, उस मैसेज को मेरे को यहाँ पे शो करना है, ठीक है। जो भी बंदा यहाँ पे लिखेगा सेंड बटन के क्लिक पे, मेरे को वो मैसेज यहाँ पे शो करना है। तो इसको देखते हैं, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस चीज को हम कैसे अंजाम दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू है कमेंट जरूर करना, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।